तरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी दौरे पर हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के आगमन पर काशी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पुलिस पैनी नजर बनाए हुए है। वही सीएम बनारस में सतुआ बाबा के कार्यक्रम में भी शामिल होने आ रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के वाराणसी दौरे को लेकर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आई है। जो एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचेंगे तो वहीं सतुआ बाबा के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज अधिवक्ता उमेश पाल के घर जाएंगे। इस दौरान वो उनकी मां और पत्नी से मुलाकात करेंगे। बता दें कि 24 फरवरी को ही उमेश पाल की हत्या उनके घर के पास ही कर दी गई थी, जिसका आरोप लगा था अतीक और अशरफ की गैंग पर, यानी कि जो माफिया ब्रदर्स है जिनका अभी अंत हुआ है उन्हीं की गैंग पर इस हत्याकांड के पूरे आरोप लगे थे। जिसके बाद आज केशव प्रसाद मौर्य जो है अधिवक्ता उमेश पाल के घर जाएंगे, उनकी माँ से मुलाकात करेंगे और उनकी पत्नी से भी मुलाकात करेंगे। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड के तीनों शूटरों को आज जेल भेजा जाएगा। बता दें चले कि इनके रिमांड की अवधि आज खत्म हो रही है। इसके पहले तीनों को मेडिकल चेकअप के लिए तेज प्रताप सप्रू हॉस्पिटल बेली या मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय कॉलविन ले जाया जाएगा। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक बंदोबस्त किया गया है। इन तीनों आरोपियों पर कोई खतरा ना हो इसके लिए बड़ी संख्या में फोर्स तैनात की गई है। तो अतीक अशरफ हत्याकांड में शामिल तीनों आरोपियों की आज रिमांड खत्म हो रही है। ऐसे में इन तीनों ही शूटरों को आज जेल भेजा जाएगा, जिससे पहले इनका मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा और मेडिकल टेस्ट कराने के बाद ही इनको वापस प्रतापगढ़ की जेल भेजा जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ नगर निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में 75 जनसभाएं करेंगे। सीएम योगी 24 अप्रैल को सहारनपुर, शामली और अमरोहा में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में प्रस्तावित जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री का हर जिले में एक कार्यक्रम होगा। सभी जिलों से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की चुनावी सभाओं की भी मांग लगातार की जा रही है। तो नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है और लगातार अब भाजपा के कार्यकर्ता या यूं कहें कि दिग्गज नेता भी लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, लोगों से उनका समर्थन मांग रहे हैं। तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ 24 अप्रैल को यानी कि कल ही के दिन सुल्तानपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही जनता को अपने खेमे में लाने का भी प्रयास करते हुए नजर आएंगे। सुल्तानपुर में संत निरंकारी द्वारा आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस बार रमजान पाक महीने के अवसर पर यह आयोजन 2 दिन का किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि खून का प्रवाह नाड़ियों से प्रवाह बराबर होता है और नया खून बनता है। मानवता है कि ये रक्त के लिए ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष किया जाता है। मिशन का पूरे भारत वर्ष में लक्ष्य लगभग 55,000 यूनिट ब्लड डोनेट कर रखा गया है। बता दें कि सुल्तानपुर जिले का लक्ष्य लगभग 150 यूनिट डोनेट का है, लेकिन ब्लड की खपत कम होने के कारण 70 यूनिट ब्लड ही डोनेट हो पाए हैं। शेष यूनिट ब्लड डोनेट 2 महीने के बाद कैंप लगाकर एक बार फिर से किया जाएगा। सेवा दल के सारे आज कंट्रोलिंग में रहता है सेवा दल, और यहाँ पर ये ब्लड डोनेशन का कैंप हर साल लगाया जाता है। पूरे भारत वर्ष में इस समय ब्लड डोनेशन कैंप 23 अप्रैल और 24 अप्रैल को लगाया जा रहा है। इसके अलावा फिर हर साल ये कार्यक्रम चलते रहते हैं, पूरे साल भर चलता रहता है, लेकिन इसकी शुरुआत प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को शुरू होता है और इस बार 23 अप्रैल और 24 अप्रैल दोनों दिन को ये शुरुआत की गई है। और ये ब्लड डोनेशन कैंप संत निरंकारी मिशन की ओर से ये बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के आदेशानुसार लगाया जाता है।
25 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रायबरेली का एक दिवसीय दौरा करेंगे। इसके साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष के पक्ष में जनसभा करेंगे। बता दें कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रशासन और पुलिस के अधिकारी और कर्मचारीगण के साथ मुख्यमंत्री के जनपद आगमन के पूर्व सुरक्षा और कानून व्यवस्था के दृष्टिगत थाना जीआईसी ग्राउंड का निरीक्षण किया गया और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक और पुलिस के अधिकारी और कर्मचारीगण भी मौजूद रहे। तो रायबरेली में 25 अप्रैल को सीएम योगी आदित्यनाथ एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। दरअसल नगर पालिका अध्यक्ष के पद में के पक्ष में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके लिए जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद और जहां पर ये जनसभा होनी है वहां पे पुलिस के अधिकारी पहुंचे और वो उस ग्राउंड का निरीक्षण करते हुए नजर आए। लखनऊ की जनता ने ईद के दिन मुस्लिम धर्मगुरुओं से नगर निकाय चुनाव में वोट करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मतदान करें और लखनऊ का वोट प्रतिशत बढ़ाकर शान अवध को बढ़ाएं। बता दें कि ऐशबाग ईदगाह में नमाज के बाद सुन्नी धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, मतदान के प्रतिशत का कम होना हमेशा से चिंता की बात रही है। तो वही लखनऊ में पिछले दो बार के निकाय चुनाव में 40% से भी कम मतदान प्रतिशत रहा है, हमें मतदान को और बढ़ाना होगा। तो वही हरदोई में नगर निकाय चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस ने भी कमर कस ली है। बता दें कि एसपी के निर्देश पर अवैध शराब के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस ने बड़ी मात्रा में लहर नष्ट कराते हुए हजारों लीटर अवैध शराब भट्टी और सैकड़ों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस और आबकारी टीम की कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। चुनाव में अक्सर ये शिकायत मिलती है कि अवैध शराब का चलन होता है। इसको देखते हुए कल रात में आबकारी विभाग के साथ पुलिस द्वारा संयुक्त अभियान चलाया गया, प्रशासन के साथ भी, और सारी रात चले इस अभियान में पूरे जनपद से प्रत्येक थाने से 293 मामले सामने आए, जिसमें कि अवैध शराब के साथ पकड़े गए हैं अथवा अवैध शराब बनाते हुए भट्टी के साथ पकड़े गए हैं। 74 भट्टियाँ इसमें बरामद की गई हैं, उनके नष्ट किया गया है लहन, लगभग इसमें 7,000 लीटर अवैध शराब है और 295 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। लखनऊ में आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता में निकाय चुनाव के लिए प्रचार गीत की लॉन्चिंग की, वहीं सांसद संजय सिंह ने प्रचार गीत रिलीज किया। बता दें कि संजय सिंह ने कहा कि आपका चुनावी गीत लोकप्रिय होता है, उस गीत के नारे लोगों के दिल को छूते हैं और गीत को लोगों के दिल दिमाग तक पहुँचाना है। साथ ही ये भी कहा कि गीत को लोगों के घरों गलियों तक भी पहुँचाना है। शानदार तरीके से लोगों के दिमाग में वो गीत मुद्दों को पहुंचाता है, उसके नारे लोगों के दिमाग तक पहुंचते हैं, ये हमारा प्रयास रहा। अगर हम 2015 के चुनाव को याद करें तो उसमें नारा था 5 साल केजरीवाल, और ये नारा दिल्ली के एक एक व्यक्ति के दिमाग और दिल में चला गया। उसने 5 साल के लिए झाड़ू को चुना, आम आदमी पार्टी को चुना, अरविंद केजरीवाल जी को चुना। 2020 के चुनाव में आए तो नारा रहा लगे रहो केजरीवाल। अब वो गाना लोगों के दिमाग में पहुंचा, एक एक व्यक्ति के दिमाग में पहुंचा कि जो काम 5 साल से केजरीवाल जी कर रहे हैं वो अब उनको और मौका आगे देना है, लगे रहो केजरीवाल। फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में विधायक कार्यक्रम के साथ साथ आप अधिकारी प्रॉपर्टी आईडी कैंप आयोजित करवा रहे हैं। दरअसल फरीदाबाद नगर निगम में सबसे अधिक लोग प्रॉपर्टी आईडी को लेकर पहुंच रहे हैं। ऐसे में लोगों को नगर निगम कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े, इसके लिए विधायक नरेंद्र गुप्ता ने RWA के माध्यम से कैंप लगाने का काम शुरू किया है, जिसके तहत वो सेक्टर 14 कमेटी सेंटर पहुंचे और वहां के लोगों को सरकार की इस नीति के बारे में भी जागरूक किया है। साथ ही साथ अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए। देखिए, माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में करप्शन फ्री जीरो टॉलरेंस की नीति के द्वारा
अर्बन लोकल बॉडीज का एक सॉफ्टवेयर बनाया गया जहाँ एक उसकी प्रॉपर्टी आईडी को ऑनलाइन करने का काम किया गया था। अब वो इंटीग्रेशन जो पहले मैनुअल प्रॉपर्टी आईडीज बनी हुई थी उनको इंटीग्रेट कर रहे हैं नए सॉफ्टवेयर के साथ में, तो लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो हमने कैंप लगाकर लोगों को डोर स्टेप पर सुविधा देने का काम किया है। आज सेक्टर 14 RWA के द्वारा एक कैंप आयोजित किया है, सरकार के सभी कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं, हमारे यहाँ के प्रेजिडेंट दिलीप वर्मा जी और उनकी पूरी टीम अशोक जी के साथ सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, बहुत सारे हमारे रेजिडेंट्स भी आए हुए हैं। तो उनको हम ब्रीफ किया है कि यहाँ उनको प्रॉपर्टी आईडी में किसी तरह की भी समस्या है तो वो अपना हमारे कर्मचारी के द्वारा ऑब्जेक्शन रेज करा लें या अपने घर से। सुल्तानपुर में आज दंपत्ति ने मिलकर सरफरे आशिक को मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि यहां एक विवाहिता महिला को वाराणसी का रहने वाला युवक गंगा प्रसाद चौबे काफी परेशान किया करता था। आए दिन उसे ब्लैकमेल कर उसे अनुचित कार्यों के लिए दबाव भी बनाता था और आरोप यह है कि मृतक आए दिन महिला को ब्लैकमेल भी किया करता था। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आरोपी दंपत्ति को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज थाना क्षेत्र गुसाईगंज में गंगा प्रसाद चौबे की हत्या की सूचना पुलिस को सुबह मिली। पुलिस तत्काल मौके में पहुंची, वहां पर इनिशियल जानकारी से पता चला कि प्रदीप निषाद और उनके पति द्वारा इनकी हत्या की गई है। इन दोनों को पुलिस अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही है। जहां तक जानकारी हुई है घटना हत्या के कारण के संबंध में पता चल रहा है कि मृतक द्वारा जो पत्नी थी उनको परेशान किया जा रहा था क्योंकि ये पहले से मुंबई से एक दूसरे को भली भांति 44 सेकेंड और चार अलग अलग तरह की गन और उनसे फायरिंग की घटना सामने आई है। ये कहानी है दिल्ली से सटे गाजियाबाद की। दरअसल गाजियाबाद में एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक धड़ाधड़ फायरिंग कर रहा है और ये वीडियो महज 44 सेकेंड का है जिसमें वो कई तरह की बंदूकों से फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। वह वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी है। सर, ये मोदीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या मामला है सर इसमें और क्या पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई इसमें? देखिए, ये जो वीडियो सोशल मीडिया पे एक मोदीनगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, संज्ञान में यह आया है कि ये पुराना वीडियो है। फिर भी इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए तत्काल FIR मोदीनगर थाने पर पंजीकृत सुसंगत धाराओं में कर दी गई है और टीम निकाल दी गई है। इस व्यक्ति को चिन्हित भी कर लिया गया है, उसकी जल्द गिरफ्तारी कर आगे की विधि कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद में सेक्टर 77 थाना प्रथम तल स्थित साइबर थाना सेंट्रल आरोपी द्वारा की गई ठगी और उनकी गिरफ्तारी के बारे में एक बड़ा खुलासा किया गया है। DCP सेंट्रल साइबर क्राइम पूजा वशिष्ठ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरी वारदात का खुलासा किया है कि फरीदाबाद में आए दिन क्राइम हो रहा है, यहाँ क्राइम का ग्राफ भी लगातार बढ़ा हुआ है। इसी कड़ी में 90 वर्षीय वृद्ध से 80 लाख की ठगी करने वाले गिरोह को पकड़ा गया है। कर्मचारी हैं जिनकी उम्र 91 वर्ष है, उन्होंने हमें दरख्वास्त दी थी कि अराउंड 80 लाख उनके अकाउंट से जा चुका है कई ट्रांजैक्शंस में, तो उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारे जो साइबर थाना सेंट्रल की टीम है उसने आज तक 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं और आगे उनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। उनके बैंक अकाउंट्स की डिटेल मांगी गई है और उनके सभी ट्रांजैक्शंस की अब जांच होगी। ये घटना कब की है और ये पैसा कहाँ का है? ये जो पैसा निकला है ये 2021 से लेके 2023 तक निकला है, तो इट इज स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। शाहजहांपुर के थाना RC मिशन क्षेत्र के कनेग मोड़ पर स्थित द मेवाड़ इन होटल का वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने फीता काटकर उद्घाटन किया है। इस दौरान होटल मालिक शरद सिंह उर्फ बबलू, डिस्ट्रिक्ट को कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन DPS राठौर, ददरौल विधानसभा से भाजपा विधायक मानवेंद्र सिंह सहित तमाम लोग उपस्थित रहे और होटल के उद्घाटन के दौरान होटल मालिक पूर्व ब्लॉक प्रमुख शरद सिंह उर्फ बबलू ने बताया कि जो राजस्थानी खाने में स्वाद है से वही स्वाद उनके द मेवाड़ इन होटल में आने वाले टूरिस्ट को भी मिलेगा। वही वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने होटल की भी तारीफ की है। और जो महानगर में जो सुविधाएं होती हैं उसको देखते हुए मैंने ये होटल बनाया
आदमी को आउटिंग में जाने के लिए, आउटिंग में शादी करने के लिए, आउटिंग में कोई भी प्रोग्राम करने के लिए मैंने होटल बनाया। और बस आप लोगों से ये विनती है हमारी कि ईश्वर से कामना करें कि हमारा होटल अच्छी तरीके से तरक्की करे। जी इसकी क्या खास वजह रही? खास वजह यहाँ पे आके बहुत अच्छा होटल बना है, बहुत मन से बनाया, इसमें बैंक्वेट हॉल भी है और लॉन भी है। शाहजहानपुर का जब से नगर निगम बना तब से लगातार ऐसी कंस्ट्रक्शन हो रहा है जो कहीं ना कहीं शाहजहानपुर के स्तर को बढ़ाता है। मैं बधाई देना चाहता हूं भाई बबलू सिंह को, इन्होंने बड़े मन से इसको बनाया, और ढेर सारी शुभकामनाएं इसकी सफलता के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सर।